बहुत डर था, डर हमेशा रहता है और वो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, थोड़ा डर होना ज़रूरी भी है, वो जो जिटर्स और एक्साइटमेंट, क्योंकि जो क्राउड बैठा होता है, यू वांट टू मेक श्योर कि आप यू नो अच्छे से वॉक करें, पोज करें, सो दैट द डिज़ाइन लुक्स ब्यूटिफुल. और इट्स रियली नाइस कि मिश्रू ने मुझे चुना एज अ शो स्टॉपर, और काफ़ी रिलेटेबल भी है ये आउटफिट मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आई लव फ्लावर्स. आई थिंक पीपल हु नो मी, दे नो हाउ मच आई लव फ्लावर्स. और बहुत मेहनत की गई है इस आउटफिट पर, 3 महीने लग गए इसे बनाने में. एक एक फ्लावर को कट करके ऑर्गेन्जा पे उन्होंने स्टिच करके बनाया है, एंड हज़ारों फ्लावर्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं. इट्स अ मिश्रू का ये क्लासिक एम्ब्रॉयडरी है. इफ़ यू सी देयर अ लॉट ऑफ डिज़ाइंस जहाँ पर ये फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो समवेयर डाउन द लाइन ऐसा है कि दिस ब्रांड मिश्रू मेक्स मी फील रिलेटेबल और क्लोज टू द नेचर. फैशन की बात करें तो आप काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और व्हाट इज़ फैशन अकॉर्डिंग टू यू? अगर फैशन को डिफाइन करना है तो आपके हिसाब से फैशन क्या है? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं वो पहनूँ जो मैं चाहती हूँ. मैं वो नहीं पहनना चाहती जो हर कोई पहन रहा है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, मेरी अलग बॉडी टाइप अलग है. तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी वो पहने जो आप पर कॉम्प्लीमेंट करता है. ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू जस्ट ओन इट. और फैशन फॉर मी इज़ कम्फर्ट. अगर आप मुझसे पूछे एक शब्द में उसका मतलब मेरे लिए, तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. देर आर टू साइड्स ऑफ मी. अगर आप देखें, देर इज़ दिस एंड्रोजिनस साइड वेयर यू नो आई वेयर दिस पैंट सूट्स, जहाँ पे आई फील लाइक यू नो दिस बॉस बेब वाइब इज समथिंग दैट आई लव. और उसके अलावा दिस फेमिनिन साइड, जहाँ पे मुझे ड्रीमी पिंक्स एंड रेड्स एंड येलोज बहुत पसंद है. साथ ही इंडियन पूरा कलेक्शन था, द कलर्स वर वेरी नाइस, द ब्यूटीफुल. व्हाट वाज योर फेवरेट फॉर टुडेस कलेक्शन व्हिच यू फील लाइक नो यार आई शुड हैव वेयर दिस वन आल्सो? नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत कंफ्यूज थी बैक स्टेज, क्योंकि हर डिजाइंस जब मैं देख रही थी मॉडल्स पर, दे लुक ब्यूटीफुल. और आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम वेयरिंग द बेस्ट आउटफिट. सो समवेयर डाउन द लाइन आई वाज लाइक, ये आई गॉट द बेस्ट आउटफिट, ये.